हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुधाज होम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी, मूंग दाल ओट्स खिचड़ी। और अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हैं तो आप इस खिचड़ी को ले सकते हैं लंच में, डिनर में, कभी भी आप इसे ले सकते हैं, जब भी आपका मन करे। तो ये मैंने बटर को ऐड कर दिया है। बटर की जगह आप ऑयली ऑल या फिर घी भी ले सकते हैं। और बटर पिघलने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी आधा छोटी चम्मच से भी कम जीरा और राई। और इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद उसमें डाल दूंगी एक मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज। अब प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का ही ब्राउन करना है। तो प्याज हमारी अच्छी भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर और हरी मिर्च। हरी मिर्च 2 से 3 ली है, एक मीडियम साइज का टमाटर था जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया था। और टमाटर को गलाने के लिए मैं डाल दूंगी इसमें नमक। नमक से जल्दी टमाटर अच्छे गल जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छे गल चुके हैं। और उसके बाद मैंने डाल दिए कुछ वेजिटेबल्स, बॉईल की हुई मटर और शिमला मिर्च। और उसके साथ ही मैंने मसालों को ऐड कर दिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर तीखा आप कम पसंद करते हैं तो लाल मिर्च को अवॉइड कर दें। अब वेजिटेबल्स को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वेजिटेबल आप अपनी पसंद की ले सकते हैं, अच्छा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वेजिटेबल आप लें। और अब इसमें डाल देते हैं 1 कप मूंग दाल जिसे हमने आधा घंटे के लिए सोक करके रखा था। और इसके साथ ही मैंने डाल दिया 1 कप ओट्स। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। और जिस चीज़ से हमने मेजरमेंट लिया था ओट्स और मूंग दाल का, उसी चीज़ से हम पानी ऐड करेंगे। तो हमने 1 कप ओट्स और 1 कप दाल ली थी, तो हमने 4 कप पानी ऐड किया है। अब इसको हम ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक इसको पकने देते हैं, बीच बीच में इसे हम चलाते भी रहेंगे। अब खिचड़ी को अच्छे से चला लेते हैं और चेक कर लेते हैं दाल हमारी अच्छी पक चुकी है या नहीं। तो अब दाल को हम चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छी गल चुकी है। तो ये मूंग दाल ओट्स खिचड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। लास्ट में हम इसमें डाल देते हैं नींबू, आधा नींबू हमने काट के इसमें डाल दिया और अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब इसे सर्व करने के लिए तैयार है ये खिचड़ी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर